हाय फ्रेंड्स, आज मैं सिविक सेंटर में हमारे भिलाई में नेहरू आर्ट गैलरी है। ये देखिए, इस पे प्रदर्शनी लगती है यहाँ पे, और कुछ भी होता है स्पेशल तो यहाँ पे होता है। आज हम लोग आए हैं और ये देखिए, आज यहाँ पे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, आज अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज ड्राइंग और सिंगिंग कंपटीशन है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। और ये देखिए, इधर इस तरफ यातायात पार्क है। और बच्चों को मैं लेकर आई हूँ कॉम्पिटिशन्स के लिए, सिंगिंग भाषण और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये देखिए, गेट बना हुआ है अमृत महोत्सव का और बच्चे लाइन में लग गए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे अभी। देखिए, महात्मा गांधी का सबका लगा हुआ है फोटो। फोटो प्रदर्शनी भी है, साथ में कंपटीशंस भी है। बहुत सारे गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर आए हैं, मैं भी लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा जीतते रहते हैं। आप आगे देखिएगा, इसमें मेरे बच्चे गाना भी गाए हैं, भाषण भी दिए हैं, ड्राइंग भी किए हैं और सभी में जीते भी हैं, तो आपको आगे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे बैठे हैं हम लोग और बच्चे अंदर में ड्राइंग करने गए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव आप देख सकते हैं, मस्त फोटो बना हुआ है। और ये देखिए, फोटो प्रदर्शनी भी लगा है महात्मा गांधी का, बचपन से लेकर लास्ट तक का सब फोटो है उनका। डिटेल में उनका जानकारी दिया गया है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ रहती है, बहुत ही अच्छी। सफल बैरिस्टर जब बन के आए थे तब का फोटो है, देखिए। और आपको मैं दिखा रही हूँ, ऐसा जनरली मिलता नहीं है फोटो उनका देखने सभी लाइन से, इसलिए मैंने सभी को ले लिया है कि आप भी देख सको। और ये देखिए, अभी यहाँ पे ड्राइंग शीट देने के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है। पहले तो आप सभी का भारत सरकार रीजनल आउटरीच ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये आयोजन है, चित्र प्रदर्शनी है आज़ादी की अमृत महोत्सव पर। तो इस चित्र प्रदर्शनी के आयोजन में हम विभाग की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। क्लैप करो, क्लैप करो। दूसरी बात, अभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन आप सब लोग मिलकर करेंगे, चित्र बनाएंगे। हमने व्यवस्था बनाई थी रजिस्ट्रेशन की, 27 ग्राम अभी तक हमारे पास एंट्री हुआ है, लेकिन देखिए काफी भीड़ है। खुदीराम बोस को आज़ादी के जितने सेनानी हैं सभी का करीब करीब लगा हुआ है। Thank you.
के वेट कर रहे हैं बच्चों का। ये देखिए यहाँ पे देखिए डिक्लेयर इंडिया है नेशन का, ले ले रही हूँ पूरा। जी का मैं क्या की थी फर्स्ट, उसमें कैनेडियन सदन में कुछ थी वो बीका जी का मैडम भी कर था, इसी का सदन लेने की कोशिश की थी। मुस्लिम लोग भी अच्छा कैसा दिए हैं। ये देखिए मेरे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, अभि और अमृत और सभी एनसीसी वाले भी आए हुए हैं। देखिए स्कूल वाले, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, एनसीसी कैडेट्स आए हुए हैं, सभी लोग बैठ कर ड्राइंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट यहाँ का रहता है, इसका नाम ही है नेहरू आर्ट गैलरी। तू क्यों आ रही है? तो गांधी पंजा बाहर आ गई हूँ, अभी बच्चे ड्राइंग ही कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस, विदेशी था ना, चाइनीज और चल चल हट तू हट। मैंने भी प्राइज जीता है क्विज में, देखिए मुझे भी प्राइज मिला है। शामिल हुए आइए मैडम, ये विशेष पुरस्कार आपके सहभागिता के लिए, आपके दोनों बच्चों के आशीर्वाद के साथ। और मेरी अभी गाना गा रही है देखिए, तारों में देश में जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है, उसको भी इनाम मिला है। और
रहे थे छत्तीसगढ़ के आज़ादी के सेनानी। और अब अमृत मेरी छोटी बेटी वही गाना गा रही है। मेरी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छा गाती है। यहाँ के वीर सैनी सुंदरलाल शर्मा काम कर लेने दे पहले। मेरी छोटी बेटी भाषण दे रही है, इसमें भी इसने इनाम जीता है। स्वच्छता मिशन से देश की बदलती तस्वीर पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देख 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 कचरा यूं ना कहीं फेंक, देख 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 कचरा यूं ना कहीं फेंक, फैलेगी बीमारियां, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। इससे इसके पहले और अभी अभी और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपने देश को असीम ऊंचाइयों तक पहुँचाना है ताकि हमारे देश नंबर 1 बन सके। सो गाइज, इफ यू लाइक आवर वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।